कहिथिलि ना मर्यादार उल्लंघन जेमिति न होए हेले मर्यादार उल्लंघन कोठी होची मा राजकुमारी अहंकार को आघत लागिथिला मु प्रलेप लगौथिलि नाही मा तमे एमिति भाबि परिलो केमिति अशोक जहाँ तुम माँ देखिले तापर कही कौन भाव राजकुमारी अहंकारा धीरे किंतु आपण माने जहाँ देखिले सत्य नुहे मुवल राजकुमारी अहंकारा को साहय करी जदि सहायता करार अशोक तेज तुम भाई को डाकि था कौन सी भी दासी को विकल्प तो थिला ना तुम पाखे आमती तो नुहे जे तुम इच्छा ही ना राजकुमारी अहंकारा आपण ही कहतु जो मो मन कौन थी कहतु तो कहतु राजकुमारी अहंकार कहतु कौन करुले आप राजकुमार अशोक सहित कहतु अपराध कर तुमको प्रसन्न करार अपराध अपराधी को तो दंड मिल सहित जहाँ होता लगुच से ये भयभीत हो जाते मोर शब्द बाहर भ्राता सुसेम आप बुझाप प्रयास कर राजाश्री कहू तू मत मो ना धरवार दुस्साहस केमी तोर क्षमा करंतु प्रभारी राजा किंतु मु किछ अनैतिक बा अनुचित करी नाही बड़ मामो पर जो आरोप लगौचंती ता निराधार कौन कहलु तो मो मा मिथ्या आरोप लगौचंती प्रथमे तो तू मो भाभी पत्नी को स्पर्श करुचो आलुठे मोरी माँ को मिथ्यावादी कहुचो थे खाली मु विजयी हो जाए तापर तो ते देखे भी मोर लक्ष्य कौन आता मु किप भावे भेद करी तुमको जना ना जो कुरासानी कुरासानी ठिकना कहनी तुम एक भूली गल चली जाओ पुणी थे के आसबनी ना तुमको जीवन रु मारदेवी मुठिक दास्तान को भेटा को आनी पार कौन कहली जड़े कुरासानी अं जनर ठिकना कही न था मुठिकी दास्तान को मारिबा को आसी तम भितर मत एमती करने के रोक पार होश्रे नहांती पुत्र सुसेम तमे मदिरा सेवन करिचो तमे निज चेतन रे नहो एति पे तमे तमर नियंत्रण हरे बसिचो चुप एई भाषण मते लुह निज पुत्र को सुना जे देखे देछि जे जे राज परिवार रे ग्रहणीय हे सरबा परे
ये तुच्छ को तुच्छ ही रहिबा। किंतु एथेरे बिचरार दोष का यार शरीर रे तो तमर रक्त बहुजिना ब्राता ससेम प्रभारी राजा ऊपर आक्रमण बचाओ बचाओ सैनिक सैनिक ससेम हे ईश्वर मो पुत्र को हत्या करबार एभली प्रयास ए मिथ्या मु भ्राता ससेम को प्राण नबर प्रयास आदु करू नथिलि मो हाथ एथि पई उठिगला कारण कारण सीए मो माता को अपमान जनक भाषा कहिले कोन हला महारानी मु सुनिलि प्रभारी राजा को आक्रमण होईछि केमिति किए कला महामत्य आपण संपूर्ण ठीक समय रे आसी छथि एबे ही राजकुमार अशोक एक कथा स्वीकार करि छथि जे से ही सुसेम ऊपर हाथ उठिले ताको अविलंबे बंदी करि निया जाऊ नहीं महारानी एमिति करंतनी राजकुमार अशोक को बंदी करि निया जाऊ कि भली शिष्टाचार ये राजकुमार अशोक बड़ एरिया सिकिछंती आपण निज मा आ गुरु को ठरु मा आ गुरु को ठमो जा सिकिछि तार अभाव एठी अवश्य देखा जाउछि आ ता होची सत्यता जे सत्यरा पथरे चालंती तांकर काहा को भय न थाय बंदी करो तांकु नहीं यह अन्याय मो पुत्र किछि भी करिनी प्रभारी ही होंतु ना काहे के राजा तो राजा होई थाए आ राजांकु ईश्वरन को प्रतिनिधि मने करा जाई थाए सेति पई राजां को ऊपर प्रहार अर्थात ईश्वरन को ऊपर प्रहार ईश्वरन को ऊपर प्रहार एक अक्षमणीय अपराध दंड तो मिलिबो निश्चय आ यार निष्पत्ति काली सभारे ही निया जीव नै जाओ तांको मो पुत्र रे कोनो से दोष नै मो कथा त टिके सुनंतु अशोक आचार्य प्रभारी राजा चयनर भल प्रस्ताव थिला महामात्यंकर सोसेम कार्यभार संभालिबो आउ अशोक ता सहित अछि सेथिपई मु निश्चिंत भी अछि पूजा संपन्न हेछि आमे प्रस्थान करिबा राज्यमाता प्रणाम निया लगाइबा फाई या जो भाला सुजग आओ केबे भी मिलिबानी औषध आणबा को विलंब खाई के होची अहंकारा एक धीरे धीरे कोन चालू छ गति बढ़ाओ
ए मा ओ पुओ ए भली मोर जीवन रे समस्या उत्पन्न करी चली थिबे आ मोर विश्वास अछि जे सम्राट से ए विषय रे किछि भी करिवेनी ए कांट महारानी चंद्रगुप्त मौर्य मत के भी प्रेम करी नीले पाई महारानी दुर्धरा हिं जीवन थी से मोजु भल के बुझी पारे जे जेबे एक स्त्री को स्वामी प्रेम मिली नए छा मन अवस्था कौन थाए फूल सहित खंठा रहिबा स्वाभाविक कथा किंतु फूल निजर सौंदर्य निजर सुगंध समस्त ध्यान निज आड़क यकर्षित करपड़े दृष्टि पड़े ही ना मत जो लगुची जे जीवन में जहा दरकार जदि ठाकुर प्राप्त न कल जब कौन कल बेले बेले जब विकल्प मिले न थाए जब व्यक्ति को विवश हो एमती खड़ा को पड़ था मु बुझी पारे जी का माँ एक स्त्री हो झुगु चमर भय कण चमर सुरक्षा कण चमक जीवन जहाँ प्राप्त करार अच्छी से जहाँ भी करवा को चाहब कर मु चम आड़क देखी भी ना चमर रहस्य रहस्य ही रही बो। या को ही खोजु ये थी तंत्र मंत्र खड़ीबार झंझ मृत्यु आपण कहबा को चाहौं छथि छमी बुझी जाई सवाळी छ मु म पुत्र को मृत्यु झंझ झेली एई छि भाई जे मौर्य वंश प्रतिष्ठा बजाय रहि मु चाहौं छी जे आज बिंदु शार जो छ अछि खाली सुशीम रहो औ जो छि मु अछि से छि छमी किंतु जे पर्यंत अशोक झड़मा छि रहिबे बाझा हे छालिबे सुशीम रे एई भले दुर्दशा खड़ी छालिबे इसे कौन से संदेह ना सुशीम अशोक सामने और दुर्बल आई कथा जिते प्रसारित हम से सुशीम भविष्य पाई हानिकारक हम चाकू हटे अतिरिक्त शक्ति आवश्यकता फरब मानी फरब मते खबर मिली भ्राता सुषेम अशोक भितरे कौन है तेणु मु संधि करबा को जाउ छी दुइंक भितरे किंतु मु चमक भेटिबा को आसी छी किछि समय जे रह सियामक मु कहबा को चाहू छी जे बुद्धिमान राजा कौन लक्षण होई छाए ए बिचना छामे बंचिव बिंद शार और ना छमर सिंहासन देखिला तो क्रोधर परिणाम माँ ईश्वर नुह मु साधारण मनुष्य मु तुम कहीं अपमान कले मु मौन रही देखी पारिबिनि हेले किछि भी हेन थांदा अशोक जदि तमे मते देइथिबा वचन पालन करथांत आ अहंकार को साक्षात करबा को ता कक्ष को जाय नथां से मोर मित्र माँ मु काहे कि तांको भेटिबिनि माँ मो मन रे कोनोसी पाप नाही तांको आघात लागितला सेपुनी भ्राता सुषम को जोगु अशोक सत्य कहूछि
अहंकारा को आघात राजकुमार सुसेम ही देखते सुसेम अहंकारा को स्वीकार करने बहाना बन को नहीं गला आठ तार ही प्रयोग सुसेम नरभक्षी पशु प्रलोभन कला आक एक वृक्ष बांधिदेला अशोक काल तुम सभा राजकुमार सुसेम को क्षमा मागि नब राणी धर्म कथा अशोक नुह ता छा अशोक भूल मागि भी नब किंतु राजकुमार सुसेम कौन यह निश्चित नुहे से अशोक को क्षमा कर दे से प्रभारी राजा से किसी भी करी पारी तेब आम पाखे गोटे विकल्प अच्छी कौन से संदेश बाहक को सम्राट को अवगत कर दिंतु ए घटना बाबद सिंहासन पड़े अर्थात कौन से संदेह नहीं जे सिंहासन पर को बड़ संकट आसवार अच्छी मत ठीक लगुनी किछ ना किछ अवश्य घटिबो सम्राट पाखे संदेश पहुंचबार जमी डेरी नुह हे ईश्वर मान रखत मान रखत कल सभार मौर्यवंशी सम्राट पाखे संदेश पहुंची जाओ अशोक अत्यंत आवश्यक मान रखत ईश्वर अधिकार कौन कौन करी चाली छी मुझे जी ठाउ ठाउ किसी करी पारी कि मृत्यु हवा पारे मुझे मेरे स्वप्न साकार अवश्य करी अवश्य सम्राट जी आम की हब ये तुच्छ को तुच्छ ही रार शरीर तो तुम रक्त बोझना प्रभारी राजा को आदेश जे बंदी को किए देखा करी पारी भी नहीं मु आपन को तो मना करी पारी भी नहीं किंतु भेट जेते शीघ्र हबो सेते मो पाई भलो हबो आपन चिंता करंतु नी अशोक परिस्थिति संकटपूर्ण आज सभारे तुमको निज ऊपर नियंत्रण रखिबा को हबो आरोप प्रत्यारोप द्वारा से तुमको उत्तेजित करबा को चेष्टा करी पारंतु किंतु तुमको बड़ चतुरतार सहित जाल रू बाहर आचार्य कौन से संदेश भावुची मोर संदेश पाखे पहुंची जाए किंतु तथापि भी एत शीघ्र फेरी आसवा संभव हम आई कथार संपूर्ण सुजोग सुसेम नहीं पारे उपाय प्रभारी राजा को आक्रमण कर दंडबोध कठिन रही
ହଁ, ଯଦି ସୁସେନ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ତେବେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ କ'ଣ। ଅଶୋକ, ତୁମକୁ ମୋତେ ବଚନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ସଭାରେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। अभियुक्त को प्रस्तुत करा जाओ। रानी धर्मा, रानी मानकर स्थान ये कौन करिबा? किए भाभी थिला जे ए कथा को एते बढ़ी दिया जीव? मते तो एबे भी लागुची जे ए कथा को शांतिपूर्ण ढंग रे समाधान करी हबो। आजे साप भी मरिबो आउ बाड़ी भी भांगिबनी, एमिते कठिन दंड देबे याको महामात्य जे यार स्मरण रहिबो यार आउ मो मध्यरे थिबा दूरता कौन आउ काहे कि अछि। किंतु दंड देबार निर्णय आपण एकाकी नै पारिबेनी। आपण कोन कहबे को चाहती? प्रभारी राजा मु, मोर दंड दबार अधिकार अछि। नै, एही सभारे दुई न्याय सभ्य मध्य उपस्थित रहिबे। तांको किए डाकिछि? नियम अनुसारे जेबे अपराध राजा सह संबंधित थिबो तेबे सुनाणी अथवा दंड निर्णय निमन्ते न्यायिक सभ्य माने उपस्थित होवा आवश्यक। किंतु आपण निश्चित रहंतु, जहां भी दंड निर्धारित हबो सेथिरे आपणक सहमति अनिवार्य हो। किंतु मो तांको केमिति आसीगले? मो न्याय सभ्यंकु स्वागत करुछि, आउ तांको निवेदन करुछि जे न्याय प्रक्रिया आरंभ करंतु। ईश्वरन को साक्षी मानी आमे समग्र सभा सम्मुख रे एही प्रण करूछु जे आमे बिना कोनोसे पक्षपात रे न्याय करिवु। न्याय करिबा समय रे आमे प्रतिक्षण स्मरण रखिबु जे न्याय आमर धर्म, न्याय ही आमर जीवन रो आधार, न्याय रो सम्मान मानवता रो सम्मान, मानवता रो सम्मान ईश्वरं का सम्मान। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये लागुची। मगध आ राजपरिवार उपरे कहार कुदृष्टि पड़ी, सेथिपाई सबुबेले एही घटना घटी चली, जहार कल्पना मध्य ए राज्य रे केही भी करी नथिले। ए सभारे अभियुक्त उपरे लागिथिबा आरोप सुना जीव, कारण अपराध प्रभारी राजांको उपरे आक्रमण विषय रे, सेथिपाई विधानत मृत्युदंड ही रहिछि। किंतु मु न्याय सभ्यंकु प्रार्थना करिवि जे कोनोसी दंड निर्धारित करिबा पूर्वरु कृपा करी
अभियुक्त उपरे लागिथिबा समस्त आरोपकु शुणि नियंतु। अवश्य आरोप ही नुहे घटनार परिस्थिति को ध्यान रे रखिबा मध्य आवश्यक जेमिति कि अभियुक्त अपराधी बा निर्दोष हेबार निष्पत्ति निया जाय पारे। ए सत्यवादी मानको कोठ धरि कि नै आसिले घटनार परिस्थिति को सुनिबे जदि तेबे अशोक को निजको पंचेवार अवसर मिलिजिवो मते किछि करबे को हबो। अभियुक्त प्रभारी राजांको उपरे आक्रमण करिछि तांको हत्या करबा उद्देश्य रे एहा सत्य नुहे। आक्रमण करिछ एहा सत्य नुहे। ताहा सत्य किंतु मोर उद्देश्य हत्या करबा नथिला। तबे कोन उद्देश्य थिला तमरो? मो मांकु अपमानित करा जाउथिला आ खाली तारी विरोध रे मु अशोक सत्य कहुछि। सुसीम कौ प्रकार गाल खेलुची? तुमर उपलब्धि कौन जानी छो? तुम्हें निजर वंश निज पिता सम्मान को अक्षुण्ण रखिच विचारधारा तांको सिद्धांत तांकर अखंड भारतर स्वप्न को जीवित रखिल। आशीर्वाद दियंतु जे भविष्यतर पीढ़ी अखंड भारतर स्वप्न को जेमिति एही भली जीवित रखिबे निज पूर्वजंक प्रतिष्ठा एही भली अक्षुण्ण रखिबे निज वंशर नाम रखिबे। नाम तो हम हेले भल ना खराब ता तो समय ही कह। मुठी मो सामने ही अशोक प्रभारी राजा उपरे प्रहरा कला मत तो लगला जे प्रभारी राजा मो पुत्र जीवित रही किंतु अभियुक्त एभली कहीं कला एभली की परिस्थिति थिला ए विषय मु मौन रहा चाहिए। केवल एति कहवाक चाहिए प्रभारी राजा निजर निजर विचार व्यक्त करमी गोटे भाईर आउ गोटे भाई पाखे निज मत रखार अधिकार था जमी जड़े राजार निज पर अन्न सदस्यों सामने निज विचार रखार अधिकार थाए। हाँ कि एभली कथा थिला जहाँ अशोक को निज माँ अपमानजनक लगला किंतु तार अर्थ या नुहे व्यक्ति निजर शिष्टाचार निज मर्यादा को भूली जाए न्याय व्यवस्था को उपेक्षा कर प्राण ने आतुर भल हेला जे सैनिक आसीगले नहले आज मगध को शोकर परिस्थिति को सामना करने को पड़ी था आउ से क्रोध से आक्रमण रे प्रतिशोधर भावना नथिला तो कारण सुसेन ज्ञान प्रतियोगिता रे विजयी प्रभारी राजा ही जाइथिला। राजकुमार जस्टिन जहा कले ता परे तो किछि भी असंभव लागु नहीं। महाराणी चारुमित्रा आउ मु चारिजण सैनिकों सहित निजर साक्ष्य देदेलु जहाँ अपराधर प्रमाण निमंते जथेष्ट हबो। परंतु महामात्य अभियुक्त को निजर पक्ष रखिबार सुजोग दबा उचित तेबे तो न्याय निरपेक्ष हो पारिबो। राजांक उपरे प्रहार करिबा तांको हत्यार प्रयास करिबा ए अपराध ए भली जे अभियुक्त निजर समस्त अधिकार हरै बसे क्षमा करंतु किंतु आपण को कथारे मु एकमत नु आचार्य राधा गुप्त उचित कहछन अभियुक्त को भी निजर पक्ष रखिबार सुजोग मिलिबा उचित
हाँ मुझे मानुची जे आमर न्याय सहित आमको ये अनुमति दौना जे अभियुक्त निजर पक्ष रखिपार हेले आम न्याय सहित एक भी तो कहूनी जे अभियुक्त पक्ष अन्य कहीं रखिपर आल भाव जाणी जे मो भाई पक्ष किए कहीपर माँ धर्मा रानी धर्मा आपण सभा को किछि कहिबाकु चाहुंछन्ति अशोकंक पक्षरे जे से एभळी काहे कि कला कोहंतु मा मो चाहुनि जे अशोक सहित कोनसी प्रकारर अन्याय हो सत्यत एया जे मु ठीक रे किछ भी देखि पार नथिली मु समस्त को पछरी थिली आ अच्छा तमे तो सर्वदा दासी ही रहलो सेथि पई तमरा पछरे रहिबार अभ्यास होई जाउछ किंतु तमे तो मो पखरे थिलो तमे सेया देखिथिलो जहा मु कहली आउ जहा मु सुनिथिली ता तमे भी सुनिथिलो भरा सभारे एमाने मो मां को अपमानित करिवे सेथिपाई मते एबे सबु मानि नबाकु पड़िबो मु स्वीकार करूची ए अपराध मु ही करीची ए माने जहां भी साक्ष्य देइचंती ता सत्य अशोक तमे जहां तुमे कहुचो तार परिणाम जानिचो अशोक तुमको कठोर कठोर दंड दिया जाई पारे ठीक अछि कोनोसी इच्छा अछि तुमरो नहीं नहीं कोनोसी कठोर दंड दियंतुनि एहा मोर मध्य मिनती जे मो भाई अशोक को कठिन दंड दिया न जाउ मु आशा करूछि जे आपण ए प्रभारी राजार प्रार्थना स्वीकार करिवे एथर तांकर भूल हि जाइछि से या परे आउ एभळी करिवेनि सिख अशोक सिख निज भ्रातांक ठु विनम्रता सिख प्रभारी राजा हेबा परे भी अहंकार रे प्रभावित नहुंती से एहा हि तांकर महानता आउ एभली व्यक्ति ही भविष्यतरे मगधर सम्राट हेबा पाई योग्य जेऊ अपराध तुमे करिछ से अपराध पाई तुमको हुए तो मृत्युदंड दिया जाई पारे अथवा देशांतर किंबा दुईटर विधान रहिछ किंतु प्रभारी राजांको निवेदन को उपेक्षा करा जाई पारिबनी सेथि पाई आमे यथासाध्य कम दंड निर्धारित करिबु तमा पाई ये कौन चलिछ एठी जेमिति कि विधान अछि दंडित व्यक्ति को तार एक इच्छा पचरा जाइथा जदि तुम किछि इच्छा थाए तबे कुह कारण थरे जदि दंड सुनाई दिया जाए तत्पश्चात तमे जदि निज इच्छा व्यक्त करिवो तबे तुमर दंड दस गुणा बढ़ाई दिया जिवो तेणु जदि तुमर किछि इच्छा थाए तबे एबे कहि पारिवो तो निजर इच्छा व्यक्त करी मो इच्छा को पूरण कर देलु अशोक एबे देख केमिति तोर सत्यता तो पाई संकट हो जीव यथासाध्य कम दंडर निवेदन को ध्यान रे रखी थाई आमे समस्ते एई निष्पत्ति रे पहुंचीचु जे अशोक को 10 करोड़ माड़ दिया जीव नहीं, ये दंड दबा उचित हबनी नहीं माँ मो ऊपर विश्वास रखंतु मु मो भाई रो किछि भी होबा को देबिनी मो भाई
दंड पाई आगको आसे। मत जाना ना अशोक जे ते मोर खेल खेल सहज अशोक दंड घोषित हो सारी एार पालन में बाधा हुआ ना भाई दंड मत मिल बालक को नुहे तमें जान जदि आम राज परिवार रे कौन सी लोक को भी कोरोना मारिबार दंड दि जाए तेबे ताहा एही भली प्रतिनिधि को मिलता है यह धर्म सेदी राज्य तरफ वेतन भी दिया जाई था एहा ही एठिकार नियम मानिबिनी एमिति अन्यायपूर्ण अत्याचारपूर्ण नियम को दंड मते दिया जाई छी तेनु कोरोना भी मते ही मारिबा उचित एभली कहि तमे राज्यर नियम को विरोध करूछ अशोक याकु एठि विद्रोह कह जीव मु कहिली ना मु एभली नियम को मानिबिनी विरोध विद्रोह जहार जहा भाबिबार अछि भावंतु प्रथमे तो प्रभारी राजा तुम दंड कम करेले आउ तमे कहुछ जे अपराध जदि मोर तेबे दंड मते ही मिलबा उचित मु अन्य कहा सहित अन्याय होबाकु देबिनि तेबे ठीक अछि न्याय सभ्य को पुनश्च निवेदन करुछि जे मो भाई रो उक्ति को क्रोध मने करा जा विद्रोह नहि कोन आउ भाबिउ प्रभारी राजा आमे आपणक प्रार्थनार मान रखिबु किंतु ये बाळकर अहंकार तो देखंतु ये आमर दया स्वीकार करूनि जदि ये चाहूची जे बाळक उपरे कोरोना न पड़ु तेबे एक विकल्प अछि आ पाखरे निज इच्छा व्यक्त करी दस गुणा कोरोना माड़ ये निज उपरे सज्ज करी दस गुणा अर्थात अशोक को सहे कोरोना सहिबा को पड़िबो अशोक मो भाई जेमिति चली सेमिति चलिबा को दियो क्षमा मांगी दियो आ एही कथा एही समाप्त कर दियो मु सहे कोरोना स्वीकार करूछि ठीक अछि राजकुमार तुमको दंड मिलिबो किंतु एठी ए सभागृह रे नहे बाहरे प्रजांक सम्मुखरे जेमिति सेमाने कि देखिबे जे मगधर नियम उल्लंघन करिवार परिणाम कोन हेथा नाही नहीं जाओ अशोक को अशोक को अणा जाओ
ରୁହ। କରୋଡ଼ର ଗଣନା କିଏ କରିବ? ଶହେ କରୋଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ କରିବ। ମୋର ଭାବି ପତ୍ନୀ ରାଜକୁମାରୀ ଅହଙ୍କାର। କୋଉଠି ସେ? ଆସ। ଯଦି ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଭୁଲ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।